नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर विधानसभा क्रमांक 86 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की भाजपा ने दर्ज कराई है शिकायत। विगत दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो फोटो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों को 500 रुपए के नोट देते हुए फोटो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेते हुए SDM रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बयान में कहा कि एक व्यक्ति द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के पक्ष में नारे लगाते हुए लोगों को 500 रुपए के नोट दे रहा है, जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोपी व्यक्ति ने अपने ऊपर लगे आरोप पर सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे नेता नार पंचायत के नागलसर सुरेंद्रवाड़ा हमेशा आते रहते हैं। उनका गाँव में खेत है, ग्रामीण उनके खेतों में काम करते हैं, इस नाते जब भी गाँव जाते हैं तो ग्रामीण को पैसे दिया करते हैं। इस बार चुनाव प्रचार की टोली में वे महिलाएं एवं ग्रामीण भी प्रचार टोली में थे, जिनका किसी ने वीडियो फोटो खींचकर वायरल कर दिया है। वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। भाजपा द्वारा मामले के संबंध में आपत्ति दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई है। भैया, जो पैसा वैसा वाला फोटो वायरल हुआ, उसमें बताएंगे क्या आप? वो तो हम लोग भैया से पहले से जानते थे और वो लकड़ी मिल में हम लोग काम कर रहे थे। अभी तो नहीं जा रहे हैं वहाँ, इसीलिए वो मुलाकात हुआ रास्ते में और वो दे दिया। वो दसरा ये बताइए, दसरा के लिए थोड़ा मंगे हम लोग खर्चा पानी। देखो भैया, हम लोग पहले से आपको जानते, थोड़ा वो नहीं दोगे क्या बोले, इसलिए वो दे दिया। हाँ भैया, आपको किस संबंध के लिए पैसा बांट रहे थे? भैया के यहाँ मैं काम कर रहा था अपने पापा को देखभाल करने का। हाँ। तो दशहरा के लिए खर्चा पानी मांग रहे थे तो दे दिया। दो तीन दिन पहले से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता 500 के नोट बांटता हुआ एक फोटो आया था और पूरे शहर में, पूरे जिले में वायरल हुआ। उसको लेके हम कल आरओ नंदकुमार चौबे जी से और जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं डॉक्टर सुब्रता गुप्ता, इनसे लिखित में भी कंप्लेंट किया और उनसे फ़ोन से भी बात हुई। आज उनसे मुलाकात भी होनी थी, परंतु प्रशासन ने या आरओ ने अभी तक उसमें कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया पता नहीं। कल हमारी लीगल जो टीम है वो फिर से उनसे मिलेगी और शिकायत पर क्या कार्रवाई है ये जानना चाहिए।